सामान्य ज्ञान में आज का हमारा वीडियो पूर्णतः बिहार से रिलेटेड है। बिहार में जो करंट अफेयर्स 2022 के हैं उसी पर फोकस हमारा आज का वीडियो है। निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट को आप वीडियो को अंत तक देखें और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं यदि उसमें आप अभ्यर्थी के रूप में शामिल होने जा रहे हैं तो कौन सा पॉइंट पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है इस 2022 में लगभग सभी करंट अफेयर्स को मिलाने की कोशिश किए हैं। आते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि बिहार के किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शालिनी, ठीक है, डॉक्टर शालिनी को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में। दूसरा है कि बिहार के किस पैरा एथलीट में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 1.83 मीटर की दूर कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया, तो शरद कुमार उनका नाम है। कि शरद कुमार बिहार के ऐसे पैरा एथलीट हैं जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक 2020 में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आजादी के बाद पटना के गांधी मैदान में जो झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया वो 15वीं बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। 2022 में वो 16वीं बार हो जाएगा। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन है? जहानाबाद। जहानाबाद पहला जिला है जहां पे 100% डिजिटल बैंकिंग हो गया। देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां COVID-19 वालों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता दी गई? ठीक है, तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां COVID-19 में जो मृत हो गए थे उनके परिवार को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? सुशांत सिंह राजपूत और श्रुति राव। इनका भी सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हुआ है, तो इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक यही थे, सुशांत सिंह राजपूत और श्रुति राव। देश का पहला राज्य कौन है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित कर दी गई है? तो बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में 33% सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित हो गई। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये सारे गोल्स आपको इन्वायरमेंटल साइंस वाले चैप्टर्स में डाले हुए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा? तो बिहार ऐसा राज्य है जो सबसे पीछे रहा, सबसे अंतिम स्थान पर 2021 में रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले। बिहार के मधुबनी जिला से किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परिचालन किया गया? तो नेपाल, नेपाल से जनकपुर जो है वो नेपाल में जनकपुर और मधुबनी में जयनगर से जनकपुर के लिए किया गया था। तो बिहार के मधुबनी जिला ही ऐसा जिला है जहां से नेपाल के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परिचालन किया गया। देश का नाम पूछे तो नेपाल। अगला है कि बिहार राज्य के किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली? ठीक है, बिहार राज्य का ऐसा कौन सा योजना था जिसको जो एक इंटरनेशनल मैगजीन एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर टुडे उसमें जगह दिया गया इस योजना को?
अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। उस योजना क्या नाम था, क्या नाम है, अभी भी चल रहा, अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। यानी ये कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए है कि अपनी थाली में हम जो भी खाना खाते हैं हम अपनी क्यारी में वो खाएं, हम अपने यहाँ अन्न उपजा के शुद्ध भोजन करें। ठीक। अगला है कि चौथा कृषि रोड मैप 2022-27 किस विषय पर केंद्रित होगा। तो चौथा कृषि रोड मैप जो 22 से 27 है, यह मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर केंद्रित है। चौथा कृषि रोड मैप 2022-27 मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर पूर्णतः केंद्रित है। अगला है कि लगातार छठी बार निर्विरोध बिहार राज्य के कबड्डी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो अंजन कुमार सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिहार राज्य के कबड्डी संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं, वो छठी बार इस पर चुने गए हैं। सात निश्चय योजना 2 साल के लिए अतिरिक्त स्वाद सुविधा के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य सरकार किस योजना की शुरुआत की है। तो बाल हृदय योजना, बाल हृदय योजना उन बच्चों के लिए शुरू की गई योजना है जो बाल्यावस्था से ही, या कहिए कि शैशवावस्था से ही हृदय रोग से पीड़ित है, हार्ट डिजीज से पीड़ित है। हाँ, और यह 2 साल के लिए योजना है अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के नाम से। मक्का उत्पादन में देश का पहला एवं दूसरा राज्य कौन है। तो पहला राज्य मक्का उत्पादन में तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर बिहार है। आपको ध्यान में रखना है कि मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। बिहार के किस बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई। उस बेटी का नाम है ज्योति कुमारी पासवान, जिसको साइकिल गर्ल के नाम से आप जानते हैं कि कोविड के काल में वो साइकिल से आ गई थी अपने माता पिता को लेके। तो ज्योति कुमारी पासवान को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह बिहार की बेटी है और साइकिल गर्ल के नाम से फेमस है। अगला है कि देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। ई भंडारण, ई फॉर इंटरनेट हो गया, तो स्टोरेज, इंटरनेट के थ्रू जो स्टोरेज सिस्टम लागू हुआ, ये पहला राज्य बिहार में ऐसा लागू हुआ। किसके जन्मदिन दिवस के अवसर पर 1 मार्च 2021 को बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। तो नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यकर्ता लोग 1 मार्च 2021 को बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाए। ठीक। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया। जो स्वदेश दर्शन योजना है, अपने देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घुमाने की जो योजना है, उस योजना में कई राज्य का, अयोध्या भी है, प्रयाग भी है, तो विभिन्न राज्यों की अलग अलग जगह हैं। इसमें बिहार का 3 स्थल है, अपना पुनौरा, सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर, 3 ऐसे जिले हैं बिहार के जिसको स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के शहरों को चुना गया। इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ऑप्शंस तीनों देगा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ऐसे करके दरभंगा, बक्सर, मधुबनी, ऐसे करके डाल देगा। तो आपको तीनों ध्यान में रखना है कि सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर जिले हैं जहां पे स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के शहरों को चुना गया। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 पटना में आयोजित किया गया है। ठीक है। कविता संग्रह है एक आंधी नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। एक आंधी नरेंद्र मोदी, इसके लेखक है संजय चेसियार, ये बिहार के रहने वाले हैं। एक आंधी नरेंद्र मोदी, ठीक, संजय चेसियार नाम है उनका। बिहार के कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना क्रियान्वित है। तो जैविक खेती के लिए फुली बायो ऑर्गेनिक
फार्मिंग के लिए कॉरिडोर योजना 13 जिलों में क्रियान्वित है। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट कौन है? अंजलि बिहार की है। सुखोई युद्धक जो है MKI-30, इसकी उड़ान पुरुष पायलट तो थे ही, महिला पायलट जो पहली बनी वो भी गौरव बिहार को मिला, जिसका नाम है अंजलि। देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2001 की से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी सेतु पटना को सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पंडुला फूल को बनाने की मंजूरी मिली है, यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो झारखंड बिहार तथा उत्तर प्रदेश को जोड़ेगी, यानी बिहार को झारखंड और उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। ठीक, अब है कि पटना आरा सासाराम को किस राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया? तो पटना आरा सासाराम जो राष्ट्रीय मार्ग है उसको NH 119A का दर्जा दिया गया। ठीक है, 119A। पुस्तक है ए जर्नी ऑफ होम एंड बिलीफ, या इनकी आत्मकथा बिब्लियोग्राफी है तो डॉक्टर सीपी ठाकुर बिहार के नेता हैं, कोई मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी ही आत्मकथा है ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ। और इसको अब हिंदी में कह सकते हैं कि आशा और विश्वास एक यात्रा के नाम से प्रकाशित हुई। भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के किस गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आनंद कुमार जो सुपर थर्टी चलाते हैं, उनको भगवान महावीर फाउंडेशन तमिलनाडु द्वारा बिहार के गणितज्ञ को महावीर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 25.4%, मतलब 2001 से 2021 का जनगणना तो पूरा हुआ नहीं है, तो 2001 के मुकाबले 2011 में जो वृद्धि थी यह 25.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़े के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2021 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार बिहार के मधेपुरा जिला की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। किस जिला की सबसे अधिक थी? तो मधेपुरा की, जिसका कितना प्रतिशत है? तो 30.65% उनका था। देखिए बिहार का पूरा औसत हो गया 25.4 और उसका अधिक था 30.65, सबसे अधिक था मधेपुरा। बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है? तो पिंक पैरेड के माध्यम से बिहार में बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया, कैंसर अवेयरनेस का संदेश दिया गया, और ये इसका उद्देश्य ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना था। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर समझते हैं, सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करना था। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 करोड़ ही बहुत ही, चूंकि जल जीवन हरियाली अभी 7 निश्चय योजना में मुख्य योजना है, तो मिशन 5 के तहत कितने पौधे का लक्ष्य है? 5 करोड़ पौधे का। दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 39वां व बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो कवरताल वेटलैंड, या जिसको कावर झील भी आप कह सकते हैं, या बेगूसराय की कावर झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट। ठीक है, कवरताल वेटलैंड या कावर झील की रामसर साइट बिहार का पहला साइट और देश का यह 39वां रामसर साइट।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या में देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है, मतलब सबसे अधिक दहेज हत्या में हत्या, दहेज के कारण हत्या कहाँ होती है, तो बिहार में। बिहार का स्थान पहला, बहुत दुख की बात। ठीक है, अगला है कि बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शिशिर सिन्हा बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, तो पश्चिम चंपारण और भीतीहरवा गांव, जान गए चंपारण का पहला सिला वहीं से नींव पड़ा था, तो भीतीहरवा गांव में ही, पश्चिम चंपारण के भीतीहरवा गांव में थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का स्थान पांचवा है। पॉलिटिकल जो क्राइम होता है बिहार पांचवें स्थान पे है, भी बहुत शुभ संकेत नहीं। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक के लिए किस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की। इस योजना का नाम है बाल सहायता योजना, जिसमें प्रति माह, योजना में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल सहायता योजना के तहत योजना की राशि प्रति माह निर्धारित है 1000, 1500, 2000, 2500 ऐसा एकदम किया 1000, 1200 लोजिस्ट विकल्प भी दे देता है अभी, तो खासकर बीपीएससी दे देगा। तो 1500 योजना की राशि के ध्यान में रखेंगे और योजना का नाम बाल सहायता योजना। किसके कारण, तो कोविड-19 से जिनके माता पिता मृत हो गए थे, जब तक वो नाबालिग है, जब तक 18 साल की आयु उनकी नहीं पूरी होती तब तक उनको, चूंकि फिर वो खाएंगे कैसे, कैसे पढ़ पाएंगे, तो 1500 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिए, फिर भी नहीं से कुछ तो है। ठीक, अगला कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो बिहार द्वारा ही पहला शुरू किया गया ऑनलाइन एग्री हैकाथन। ठीक, अगला कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही, तो 11.5%। क्लियर, ये थे बिहार के करंट अफेयर्स। अगले वीडियो में आज ही हम जारी करेंगे, जिसमें बिहार से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस डालेंगे। उस टॉप 50 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन इस बार बीपीएससी के हेडमास्टर के एग्जाम में पूछे गए। निश्चित तौर पे उस वीडियो से जो भी है क्वेश्चंस, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके आगामी जो भी परीक्षा होनी है बिहार लेवल का, उसमें सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस होना है, तो एक दो तीन क्वेश्चंस तो आ ही जाना है, इसलिए उस वीडियो को देखना नहीं भूलिए, उस वीडियो को अंत तक देखिए। और करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। अगर फिर नया करंट अफेयर्स आता है, निश्चित तौर पर हम आपको उससे रूबरू करेंगे।